मेरे को लग रहा है रनिंग शुरू करनी पड़ेगी। लगी रहे तेरे को 6 महीने से। चैलेंज दिया किसने था? हमने हमने दाल बनाई है वो रही। अरे अच्छे लग रहे हो यार आप, क्या मम्मी। गुड मॉर्निंग फैमिली, थोड़ा सा लेट हो जाता तो गुड आफ्टरनून हो जाती, क्यों अभी 11 बजे। और एक्चुअली मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद मैं आपको आज एक और जगह लेके जा रहा हूँ। वैसे हम उस जगह पे गए हुए हैं, लेकिन आज मनोज को जाना है मेरे साथ उस जगह पे, और उसका जस्ट अभी फ़ोन आया था, पूछ रहा था कि भाई बहुत अच्छी जगह है क्या। मैं बोला हाँ भाई बहुत बढ़िया जगह है, और लेके चलता हूँ। बस आ रहा हूँ अभी, नहा धो के रेडी होके चलते हैं और व्लॉग अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह क्या हो गया, क्या हो गया? ओ मम्मी, खाने में क्या बनाया? क्या बात होगी, क्यों क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्या हो गया भैया बताओ ना यार, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा क्या हुआ मेरी वजह से? मम्मी मैं तो नहा रहा हूँ यार, नहा रहा हूँ मम्मी, पता आपको आज भी फटाफट से नहा रहा हूँ, उठा ही था बस, अभी उठते ही व्लॉग डाले और अभी जा रहा हूँ नहाने। ठीक है वैसे दाल बनाई है वो रही। अरे अच्छे लग रहे हो यार आप, क्या मम्मी सॉरी। अच्छा बात बताओ मेरे को, मैं आपके साथ चलूं या पहले खुद देख कर आऊं? देखो चलो ठीक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मम्मी ऐसा कह रही है कि भाई आप नहीं चलोगे क्या? चलो पहले मैं पसंद करने चलता हूँ, इस बार अपन आप मेरे साथ चलोगे और अपन बस पसंद करके आएंगे, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है और हम वही लेंगे शायद, हो सकता है, और मम्मी के साथ बाद में जाएंगे, पहले खुद पसंद करके आते हैं। और अभी उससे पहले मनोज के पास जाना पड़ेगा और देखते हैं कहाँ जाएंगे उसके बाद। चलो गर्म मत करो, ऐसे ही दे दो जल्दी, लेट हो रहा हूँ। चीनी मत डालो, चीनी नहीं, मैं तो भाई मीठा दूध नहीं पीता हूँ। अरे मम्मी मिक्स ऑल कर रही है, मैंने आपको बोला है जब मेरे को नहीं पीना मीठा दूध, तो क्यों इसमें मलाई तो हटा दो यार, मेरे से नहीं पिया जाता यार, मलाई वाला दूध नहीं पिया जाता है, मलाई मैं कह रहा हूँ जब ये देखी। ये लो पापा आपका टिफिन, मैं आज जा रहा हूँ शॉपिंग करने, ठीक है, पहले मनोज के पास जा रहा हूँ। ठीक है तो भाई ऐसा है, पापा तो अपनी राजगद्दी से हिलने नहीं वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना। मम्मी को जाना पड़ेगा, मम्मी पापा के लिए शॉपिंग करके आएगी, और मेरी शॉपिंग मैं देखता हूँ किसके साथ जाऊँगा, और अभी चलते हैं। पहले सबसे पहले मनोज के पास जाएंगे और उसको वो जो उसका खाने का मन है ना वो खिला के लाता हूँ उसको। भाई ऐसा है, मनोज तो आया नहीं है अभी तक, और एक सब्सक्राइबर आ रहा है जो कि मुझसे मिलना चाहता है, तो उससे भी मिल लेते हैं, और जस्ट उसका भी फ़ोन आया था तो मिलके फिर उसके बाद चलते हैं। मनोज आएगा, देखते हैं कितनी देर और लगाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बस वेट कर रहा हूँ मैं तो यहाँ खड़ा होकर उसकी। कैसे हो सर? अरे आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। पहचान नहीं पाए थे क्या? नहीं, मेरे व्लॉग्स देखते हो फिर भी नहीं पहचान पाए मुझे? आपने कल दाढ़ी मूछ काट रखी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो भाई इनसे मिलिए, ये है जशन, और ये मुझसे स्पेशली 16-17 सेक्टर से मिलने आए हैं और डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आई लव यू। किसी बनती है भाई के लिए ना, क्यों ये बहुत दूर से आया है यार, 16-17 सेक्टर से आया है और स्पेशल मुझसे मिलने, और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग ही सपोर्ट कर रहे हो और आप भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और लव यू यार, लव यू दिल से। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है ना, हाँ थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ यार अच्छे व्लॉग्स बना रहा हूँ मैं शायद, शायद बाकी आप कमेंट करना। अरे वाह मनोज क्या हाल है, सुना दे आज तो फिर कुछ नहीं ताजा है। ठीक है बस चला जाओ जल्दी, खड़ा हूँ। और भैया कैसे हो, हर रोज आपको याद करते हैं हम, पता है क्या है? अच्छी बात है क्या? फिर मेरे मेरे जो व्यूअर्स आएंगे आपके पास उनको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलना चाहिए।
डिस्काउंट टेस्ट दोगे? बाकी चलो टेस्ट बहुत अच्छा है यार, एक बात तो है यार टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, और आज इसी वजह से ये मनोज भी मैगी की शक्ल को देख के खींचा चला आया आपके पास, और इसको जल्दी से मैगी बना के दो, फिर मेरे को यार शॉपिंग के लिए भी निकलना है और 6 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, तो उससे 7 बजे नहीं मैं शोरूम पे गया था उस पर पूछ के आया था, वो बोले 6 बजे बंद कर देते हैं। बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी आऊँगा। अच्छा फिर मनोज भाई आज तो चैलेंज कर रहा है क्या? क्या चैलेंज? मैगी खत्म कितने देर में कर देगा? गरम गरम रोटियां तो तू खा लेता है, मम्मी को कहता है गरम रोटियां चाहिए मेरे को, ठंडी नहीं चाहिए, बता कैसे करेगा आज बता। मैं मुस्कुरा रहा है, बता खा लियो भाई। और गौरी क्या हाल है, कैसा है भाई, मूड खराब है तेरा? चल ठीक है भाई, भाई मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हाल है तनुज भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ऐसा है मेरे पास तो अभी फॉर्मल ड्रेस है नहीं, और मैं तनुज को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ कि तनुज ही पसंद करवा के लाएगा फॉर्मल ड्रेस, और देखते हैं पसंद आती है या नहीं आती, या फिर मैं मोटा हो गया हूँ यार, मूड खराब हो रहा है मेरा, देखते हैं आएंगे या नहीं, अगर नहीं आएंगे तो भी देखते हैं क्या करने वाले हैं। मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कुछ पसंद आने वाला है, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो चुका है और शक्ल इतनी भारी हो चुकी है, पता नहीं क्या होने वाला है। सही में मोटा फैल रहा है तू, बोर फुल भैया। और कोई कलर दिखाओ यार, मजा नहीं आ रहा। तो वैसे भी ये है, ये है बस। हाँ ये वाला होगा, नीचे वाला देख लेता हूं। लेफ्ट 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 ब्लैक चेक में दिखाओ, ब्लैक चेक में देख। सीरियसली इतना मोटा हो गया मेरे को, एक 6-7 किलो वजन बढ़ा होगा मेरा, उसके कारण मैं अजीब लग रहा हूँ इतना। अब से मेरे को लग रहा है रनिंग शुरू करनी पड़ेगी। लग ही रहे तेरे को 6 महीने से। अरे यार कर दे तो स्टार्ट ना। मेरे को अच्छा, मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा, फैल गया ना इसलिए मजा नहीं आ रहा। मूड खराब हो गया यार सारा का सारा। ओह माय गॉड, कोई नहीं, ऐसे कर पहले पतला हो जा तू, रनिंग करके। हाँ यार देखा मेरे को यार, मैंने नहीं सोचा था मैं ड्रेस लेने आऊंगा और मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, कितना अजीब सा लग रहा हूँ। हो गया हूँ मोटा, ऐसी बात तो नहीं है, तनुज ने भी बेइज्जती कर दी मेरी। कमाल है तनुज। चलो कोई नहीं, अभी मेरा फिर मन ही नहीं है, मैं ले ही नहीं रहा अभी ड्रेस, ही नहीं ले रहा मैं। पतला है थोड़ा, भाई एक हफ्ते में क्या पतला हूँ, बाकी कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कर सकता हूँ हफ्ते में दो, मतलब अगर सुबह भी और शाम को दोनों टाइम रनिंग करूँ तो शायद हो सकता हूँ। वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं कपड़े उतारता हूँ और रनिंग पे निकलता हूँ पहले। तनुज तो मुझे अंदर बोल रहा था कि मैं फैल गया हूँ, और मुझे लग तो रहा ही था, मेरे को पहले से ही लग रहा था कि मेरा वेट हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं शायद अब फॉर्मल ड्रेस देखने जाऊँगा ना, तो मेरे को अंदर जो मेरे साथ हुआ वही होने वाला था। तो अभी चलते हैं और फटाफट से भाई रनिंग पे ध्यान देते हैं, और आज फाइनली स्टार्ट कर दिया मैंने रनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोस्त भी मिल गए अपने पुराने दोस्त। क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई का पता है मेरे को, हैप्पी बर्थडे भाई अमन, कैसे हो? बढ़िया है, मजा आ गया आपसे मिलके। मेरे पास नंबर तो था नहीं, मैं चक्के को फोन करने वाला था, मैं भाई नंबर दे भाई का। चलो भाई हैप्पी बर्थडे, क्या प्लान है आज, पार्टी का है? मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, रनिंग करने जा रहा हूँ, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यार मेरे को ना कपड़े नहीं आ रहे यार, मैं फॉर्मल ड्रेस लेने गया था और मेरे को कपड़े नहीं यार, वहाँ बजट नहीं है। घर आया हूँ और फटाफट से ड्रेस चेंज करते हैं और रनिंग के लिए निकलते हैं। आपको क्या लगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, अब से डेली रनिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है यार। मैं बहुत अजीब सब दिख रहा था वहाँ पे जब मैंने वो ब्लेजर डाला था ना, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था मेरे को,
तो मैंने सोचा है फाइनली अब से दो टाइम रनिंग करनी पड़ेगी और वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शायद एंकरिंग भी करनी है 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को, और देखते हैं कितना मजा आने वाला है। अब रनिंग शुरू करते हैं, आज देखता हूँ कितना भाग पाऊंगा कितना नहीं भाग पाऊंगा। बहुत दिन हो गए रनिंग वगैरह सब छोड़ रखी है, और कोशिश यही रहेगी कि 10-15 राउंड तो मैं लगा ही लूँ। तो देखते हैं क्या होने वाला है। शूज वगैरह पहन के चलते हैं जल्दी से। हेलो हेलो भैया, हेलो हेलो, कैसे हो? सारे आ गए यार। हेलो गाइस। हेलो 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 गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो। तो भाई ये सारे बच्चे हैं और अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, प्यार मिलता है इन सबसे, और आई होप आप भी मुझसे बहुत प्यार करते होंगे और इतना सारा प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज क्या है? ये जो आपको जिस पे झंडा लगा हुआ है ना, हाँ, उसको आपको 4 मिनट 1 मिनट में 5 राउंड काटने उसके पूरे, बस झंडे वाले कहाँ बस। यार आज इतने दिनों बाद रनिंग कर रहा हूँ मैं, मेरे से नहीं होएगा। अभी मैं इधर के मैं सोच रहा हूँ इस पार्क के ना आज 10 राउंड लगा लूँ भैया, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बच्चे बताएंगे भाई। ठीक है, 10 राउंड। हेलो हेलो हेलो, लगा भैया, अनस्टॉपेबल 10 राउंड लगाऊंगा। ठीक है चलो। गाइस निखिल भैया ने 10 राउंड, ये कह रहा हूं गाइस निखिल भैया ने 10 राउंड काट दिए एंड उनका चैलेंज कंप्लीट हो गया। चैलेंज दिया किसने था? हमने किया गाइस, हमने 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, दिया था कर दिया पूरा। चलो अब कल सुबह देखते हैं कितने राउंड लगेंगे। बाय बाय भैया, बाय बाय कंप्लीट, बाय 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 बाय। तो भाई बर्थडे पे जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुका हूँ, और जींस आ तो गई है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसीलिए भी मैंने यार रनिंग करने का डिसीजन ले लिया है फाइनली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और अभी आज ड्रेस देख के आए थे यार, कितना गंदा लग रहा था, मेरे को अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रनिंग शुरू करते हैं और एक टाइम नहीं अब से 2 टाइम करेंगे। सुबह देखते नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी, क्योंकि यार 10 राउंड मार ली जोश जोश में, अब पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और चलो बर्थडे इंजॉय करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ करने को मिलेगा। चलो ये लो, अरे वो बाइक में पेट्रोल नहीं था इसलिए मैं लेकर नहीं गया। तीन दिन आज डलवा लेता हूँ, आज डलवा लेता हूँ पक्का, शांति कुछ नहीं होती, आज डलवा लेता हूँ। तो ऐसा है बर्थडे का कैंसिल हो गया प्लान, क्योंकि वो भाई है जो उसके घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थोड़ी, तो मुझे नहीं पता, मैंने ना ज़्यादा पूछा, वो कह रहा कभी और करते हम पार्टी, मैं बोला कोई बात नहीं। और वैसे भी अच्छा हुआ यार, क्योंकि आज रनिंग करके आया था और अब पार्टी में जाता तो थोड़ा बहुत मन तो लग जाता कुछ ना कुछ खाने का। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, और उसके बाद आज घर जाके कुछ हेल्दी सा बनवाता हूँ मम्मी से, जिससे फैट भी ना आए, और देखते थोड़ी देर दुकान पर बैठता हूँ अभी। हाँ जी मम्मी, खाना बना दिया है मेरे लिए। जैकेट पहनने वाला क्यों रहा था? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा बर्थडे पे जाना था एक्चुअली, बर्थडे पे जाना था और प्लान फिर बाद में कैंसिल हो गया, तो इसीलिए खाने में वैसे मम्मी ने बनाई है चावल मटर वाले, और दाल भी बनी हुई है। बाकी रात को ऐसे चावल खाने तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन कर गया था मम्मी, इसलिए मैंने मम्मी को स्पेशल खुद बोल के ही बनवाए थे कि मम्मी चावल बना दो। और अभी खा पी के सोते हैं और एडिटिंग करते हैं। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और एक कमेंट। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।